मैंने पहले अपने सारे इक्विपमेंट्स चार्ज कर लिए। जिस फोन का ब्लॉक कर रहा हूँ ना, ये वाला फोन भी मैंने फुली चार्ज कर लिया, क्योंकि घूम का बात है ना, मार्केट तय टाइम ना मिलेगा, चार्ज करूंगा या एडिटिंग करूंगा। तो इस मारे मैंने पहले ही सारे इक्विपमेंट अपने चार्जिंग पर लगा दिए, जान तो पहले चार्ज हो जाएंगे, नटा का मार्केट घूमने चला जाऊंगा। बाकी वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अगर अभी एक व्लॉग खत्म कर कटा हूँ और साथ के साथ वो व्लॉग यार लंबा हो गया था, इस मारे दूसरा व्लॉग रेडी कर दिया, मैंने चालू कर दिया है। बस 5 से 10 मिनट में निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए, वहाँ पर पहले घूमेंगे, फिर होपफुली मार्केट खुली रही तो लोकल मार्केट का फूड इंजॉय करना है, जो कि हमने प्री सर्च नहीं कर रखा, हमने कोई भी सर्च नहीं कर रखा। अरे ओ बदतमीज, यहाँ कोई कोई काम कर रहा है, बदतमीज आदमी। देखो कर सुन हो गया। अरे मेरा भाई रूस के आगे तो नहीं, ये तो फिर उसकी पागलपंती है, रूस का ऑफिस। चलो ये तो बिजी है, ठीक है भाई, लोकल फूड एंजॉय करेंगे। बस पंडित नाल ना रहा है, वो ना के लिकट ले, पंडित बढ़ रहा बाथरूम में, जल्दी लिकट रहे, ये बस सुनती को ना भीतर आवाज ना जाती, तो वो के नाते लिकड़ा पा 10 मिनट में बस। कह रहा है खतरी है, मेरा सारा स्पॉन्सर कर रहा खतरी, मोटा कह सारा खतरी के पास ATM ले आया मुझे, बोला भाई आज तुझे जो खरीदना वो खरीद ले आ खतरी। हैं अटकी मशीन इसकी, ATM तो ओके है, इसकी मशीन अटकी, क्या हो गया, इंग्लिश कर इंग्लिश। चलो भाई कैश ले करवाऊंगा, सब तो पहला काम होटल से निकलते हैं, हमारा कैश खत्म हो गया, और खतरी साहब का फाइनेंशियल इसमें चिंता हो गई थी। ये तो बोलते कैश निकलवा। हाँ जी मदद से आप पर्स ले जाता है, इसमें इधर पाया साइड में, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਦਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਪਰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਉਣ ਜੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕਿ ਸਾਈਡ 'ਚ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਣ ਲਓ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਲ ਉਸਕੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਾਰਬਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀਆ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਨਾਈਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਾ ਵੋ ਹੈ। भाई जब मैं आया था 4-5 साल पहले, जब यहाँ ऐसा कुछ ना था, और अभी देखो सामने शैंडलियर देखो भाई, अभी दिख नहीं रहा, आगे जाके दिखाऊंगा। बाकी हैंग आउट के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है, और जो है ना अपना गोल्डन टेंपल उसके बिल्कुल पास में है। भाई मस्ट विजिट प्लेस है, और ये प्लेस है ना गोल्डन टेंपल से बस 5 मिनट की दूरी पर, एक नंबर की जगह है। ब्रावा, एक लच्छा आलू टिक्की और एक बल्ला चाट, बल्ला पापड़ी चाट, ठीक है। कितने हुए? 200 दे दे भाई, सब रही कैश कैशियर साहब दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, हमारा मुनीम है। बाकी भाई बहुत बढ़िया प्लेस है यार, ऑसम प्लेस है,
आई थिंक दिल्ली में भी ना भाई ऐसी प्लेस इतना बढ़िया रंग पंजाब। सदरी हाउ वाज द फूड? मस्त है, ऑसम, बढ़िया था भाई, खाना बहुत बढ़िया था, नो डाउट। अरना ओवर प्राइस था, BTW की टिक्की थी भी सस्ती है, 125 टिक्की थी। और फिलहाल है ना इस जगह का नाम जो है ना वो यो है, राजा अंबर श्रिया, ये टाइमिंग है भाई। भाई वाकई में बहुत बढ़िया जगह है, मस्ट विजिट जगह है, मैं दया कहूँगा। और गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास है, ज़रूर आना। सिप्पी से भी अलग वाइब है भाई यहाँ की, एक नंबर की वाइब, और सब कुछ मिलेगा आपने, हर टाइप का फूड अवेलेबल है, फास्ट फूड जो होता है। यही मंदिर और मस्जिद, तेरी गलिया गलिया, तेरी गलिया इसको भावे गलिया, तेरी गलिया गलिया, तेरी गलिया तेरी पर भावे गलिया, तेरी गलिया। धन्यवाद वीरे, भाई वीरे करते हैं था ट्रैक्टर, मजा आ गया, एक नंबर के टायर है भाई। भाई रुमाल तलाना भूल गए थे, लाए भी नहीं, होटल पर रह गया, फिलहाल ये ले रहे हैं 10 रुपए के, क्योंकि भाई मतलब है ना अंदर गोल्डन टेम्पल में सिर ढक के जाना पड़ा है, तो इसलिए हमें 3 लेने लग रहे हैं। और है ना ये देखो गोल्डन टेम्पल के पास भी मतलब है ना सब कुछ आ गया, मैकडोनल्ड्स उधर, डोमिनोज है, सारे बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ गई। जब मैं आया था ना उस टाइम पर कुछ भी ना था, बाकी ज़्यादा मैं बोलता नहीं क्योंकि बहुत भीड़ है, ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। अंदर चलते हैं और सिनेमैटिक एंजॉय करो आप। भाई गोल्डन टेम्पल पहुँच गया हूँ और मेरे पीछे एंट्रेंस दिख रही होगी, जाते हैं अंदर, आजा चप्पलों के लिए चलेंगे, चप्पल रखा हूँ। बाकी भैया है एंट्रेंस गोल्डन टेम्पल की, अरे ना कुछ तो अंदर व्लॉग करने नहीं देंगे भाई, क्योंकि मेरे को पता है सेफ्टी रीजंस और भी बहुत सारे रीजन है। आजा ठीक है, इसलिए मेरे को अंदर व्लॉग करने भी नहीं देंगे। और भाई इतनी दूर आया हूँ ना, तो थोड़ी देर पीसफुली बैठने का मन है, क्यों कतरी जा? ठीक है भाई, बाकी आप ना मैं थोड़े थोड़े जो शॉर्ट्स होंगे ना अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया, वे शॉर्ट्स ले लूँगा और शेयर भी कर दूंगा व्लॉग में। लेकिन यार थोड़ी देर है ना पीसफुली मैं कतरी जा इंजॉय करूँगा, है नहीं? सतनाम वाहेगुरु भाई। शू कीपिंग फैसिलिटी ये जी एक में ही कर देगा, चप्पल देगा मैं हरकतरी,
प्रस्थान कर रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। भीड़ देखो बाकी भाई, गजब। हाथ धो लिए, हाथ के बाद पैर। खाली हो जाएगा। भाई गोम का दूध पीने का जिक्र रहा था, दूध पीने आ गए हैं बाहर केसर का। दूध पक्का बिल्कुल लाल हो गया है, इस दूध ने पीने में मजा आया लगा होगा। कर आए भाई भीतर दर्शन, मजा आ गया। हाँ कतरी साहब आप डाइट पूरी कर ले हैं। लो भाई 11 बज गए हैं और फाइनली रूम पर आ गए हैं और एडिटिंग का काम अब चालू करता हूं भाई। 11 बजे जय बजे भी निपटेगा, दिखा कर रेंडर करके और फिर सोऊंगा। बाकी होपफुली आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल तक के लिए बाय। और भाई एक जो मैंने एक पुलिस वाले अंकल थे उनकी एक वीडियो क्लिप ले रखी है, जिन भाइयों को वो चीज़ समझ में नहीं आई मैं उन सभी के लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उन अंकल का कहना ये था, पहले देख भाई लाइट ऑन कर दू, खतरी सारी लाइट ऑन ना करी भाई इतना। ओ खतरी ये लाइटें कहाँ से ऑन होगी ना, ये बराबर वाला खटका दबा, ये तो पंखे का यार। यहाँ भी ना यार है। ये लाइटें कहाँ से होगी, यहाँ भी ना है ना होगी। चलो कोई ना भाई ये ना होगी। बाकी भाई पुलिस वाले अंकल थे ना वो ये कह रहे थे, हमने मतलब है ना गोल्डन टेंपल जाने का रास्ता पूछा था उनका, तो उन्होंने हमारे को रास्ते के साथ साथ एक सजेशन दी थी और वो चीज फिर मैंने मतलब आधी तो हो चुकी थी आधी रह रही थी, तो मैंने उनसे पूछ कर रिकॉर्ड कर ली कि मैं रिकॉर्ड कर लूं। उन्होंने बोला आपकी जैसी मर्जी। तो उन्होंने हमारे को बताया कि भाई यहाँ पे फोन ध्यान से कम निकालना और बात मत करना कान पर लगा कर, क्योंकि स्नैचिंग की सबसे ज्यादा वारदात यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे
नशा करके और वो सब चीजें मतलब गलत करते हैं वो, और तीन बंदे दो बंदे बाइक पाते हैं आपसे खोस कर भी लेकर जाएंगे, तो आप जितना हो सके अपने फोन को अपनी पॉकेट में रखना। उन्होंने ये बात हमारे को समझाई थी, जिनको नहीं समझ में आई मैंने उनके लिए ये ट्रांसलेट की है। बाहर इसलिए नहीं की उस टाइम पर क्योंकि भाई भीड़ बहुत थी, आप सभी को समझ में नहीं आता इसलिए, ठीक है।